अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सैयद करम शहज़ाद अली टॉप फॉर यू के साथ आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर हूं। और पिछले जो इतने अरसे में आपके साथ टाइम नहीं दे पाया आपको, तो उसके लिए मैं माजरत चाहूंगा और आपकी सपोर्ट का शुक्रिया। आप मेरे चैनल को फिर भी सपोर्ट करते रहे। तो आज मैं आपके लिए जो एक टिप लेकर आया हूँ, अक्सर लोग जो हैं आजकल कोई चीज़ खाते हैं पीते हैं तो उनके मैदे का भी प्रॉब्लम होता है और जिगर का भी। जिगर के प्रॉब्लम की वजह से वो उनको जो है वो वॉमिट होने की होती नहीं है, लेकिन उनको ऐसे लगता है वॉमिट होने वाली हैं और कोई चीज़ हज़म नहीं कर पाते, या अक्सर वॉमिट भी हो जाती हैं वो जिगर के प्रॉब्लम की वजह से होती हैं। तो इसके लिए जो है वो मैं आपको एक सिंपल सी एक चीज़ है जो हर घर के अंदर मौजूद होती भी है, और नहीं भी अगर मौजूद हो तो इतनी कीमती नहीं है, है स्वीट टाइप, जैसे मुरब्बा है। आप मुरब्बा तो वैसे भी खाते हैं, तो इसके अंदर जो है एक मुरब्बा जो है वो आता है। मुरब्बा इसको डिफरेंट जो है वो तरीके से खाते हैं कुछ लोग, किस तरह कुछ किस तरह, लेकिन आपने इसको सुबह निहार मुँह बग़ैर कुछ खाए पिए, सुबह जिस वक्त आप उठें बग़ैर कुछ खाए पिए आपने वो एक उसका जो है वो पीस, एक टुकड़ा जो है उसका लेना है, और वो मैं बताऊंगा आपको क्या चीज़ है, लेकिन आपने उसको लेना है, लेके उसको खाना है, उसके बाद आपने कोई चीज़ फ़िलहाल पीनी नहीं है, ठीक है। उसके दो फायदे होंगे, एक तो आपका जिगर बेहतर होगा, दूसरा जो है वो आपका ब्लड जो है वो सही तरह से सर्कुलेट करेगा, जिस वजह से आपकी स्किन जो है वो वाइट वाइट भी होगी। ये देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान समझ नहीं पाते और वो इनको जो है सही तरह से चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करते, जिस वजह से नुकसान पाते हैं। तो बेसिकली जो है वो आंवला, आंवले का मुरब्बा जो है आपने लेना है, और एक आंवला डेली सुबह निहार मुँह आपने एक आंवला खाना है, और उसके बाद आधे पौने घंटे बाद आप नाश्ता कर सकते हैं, लेकिन आधा पौना घंटा पहले आपने आंवला खा के और उसको जो है वो इन्जॉय भी करना है। आंवले का मुरब्बा मीठा होता है, कोई इतना उसके अंदर कड़वाहट नहीं कुछ भी होती, मीठी चीज़ है, तो वो बआसानी आप खा सकते हैं और निहार मुँह आप खाएँगे, और इंशाल्लाह आप देखेंगे आपको फ़ायदा होगा, और इंशाल्लाह आप मुझे दुआओं में याद रखेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे सपोर्ट किया करें। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह।